अभी दीवार को तराई कर रहे हैं, दीवार में अच्छे से पानी डाल रहे हैं। मिस्त्री नहीं आए हैं इसलिए दीपा के पापा मिस्त्री काम कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं पहली बार मिस्त्री काम कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्याम जी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और देखिए कल हम लोगों का इतना काम हुआ है, चौखट लगा दिए हैं और इधर ये देखिए यहाँ पर भी चौखट लगा दिए हैं। तो अब हम लोग दीवार को तराई करेंगे, पानी डालेंगे। तराई करने से दीवार अच्छा से मजबूत होता है, सीमेंट में अच्छा से जमाव होता है, इसलिए हम लोग अभी तराई करेंगे। और तराई करने के बाद फिर हम लोग मसाला बनाएंगे और मसाला बनाने के बाद फिर हम लोग ईंटा जोड़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग अब दीवार को तराई करेंगे। तो चलिए अभी दीवार की तराई कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग मसाला आने के लिए बालू नापेंगे। दोस्तों ये देखिए भैया अभी दीवार को तराई कर रहे हैं, दीवार में अच्छे से पानी डाल रहे हैं और बाबूजी यहाँ पर पत्नी प्लेट को वहाँ पर जमा रहे हैं चौखट को जाम करने के लिए। देखिए और इधर दीवार तराई हो गया है, यहाँ पर प्लेट को अच्छे से जमा दी है, पत्नी को अच्छे से जमा दी है, मसाला डालकर चौखट को जाम करेंगे। और इधर और बचा है तराई करने के लिए, तो हम लोग अभी बालू नापेंगे मसाला बनाने के लिए। गिट्टी मसाला भी बनाएंगे और ईंटा जोड़ने के लिए बालू का और सीमेंट का मसाला बनाएंगे और फिर हम लोग ईंटा जोड़ने का काम शुरू करेंगे। दोस्तों दीवार को तराई कर दिए हैं तो पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। दीवार तराई हो गया है, दीवार में पानी डाल दिए हैं तो खाना खा लेते हैं। दोस्तों हम लोग खाना खा लिए हैं तो अभी अब हम लोग बालू नापेंगे मसाला बनाने के लिए। चलिए बालू नाप लेते हैं यहाँ से और वहाँ पर रखेंगे मसाला बनाने के लिए। चलिए 7 तगाड़ी का मसाला बनाएंगे, पहले 7 तगाड़ी का बना लेते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर और बनाएंगे। और आज मिस्त्री नहीं आ रहे हैं तो आज हम लोग खुद जोड़ेंगे ईंटा। ये 3 तगाड़ी हो गया, तो मसाला बना लिए हैं, बालू सीमेंट को डाल लिए हैं और यहाँ देखिए ये गिट्टी मसाला बना दिए हैं और हट को जाम कर रहे हैं वहाँ पर। और भैया ईंटा ला रहे हैं और ईंटा को ला ला कर वहाँ पर रख रहे हैं। इस मसाला में भी पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं। मसाला को तगाड़ी में रख रहे हैं, गिट्टी मसाला है चौखट जाम करने के लिए। तो देखिए अब वो लेकर जा रही है और चौखट को जाम कर रहे हैं। तो ये बालू वाला मसाला में मैं पानी डालकर इसको अच्छे से मिला देता हूँ। और आज मिस्त्री नहीं आया है तो हम लोग मिस्त्री काम आज खुद करेंगे। आज हम लोग जोड़ेंगे ईंटा, बाबूजी और मैं, हम दोनों जोड़ेंगे ईंटा। आज हम लोग मिस्त्री कार्य करेंगे। पहले मसाला को मैं अच्छे से मिला देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ईंटा जुड़ाई करेंगे। और भगवती मसाला को लेकर जा रही है और चौखट को जाम कर रहे हैं, वहाँ पर काला में डाल रहे हैं। चलो तो देखिए मसाला को मिला रहा हूँ अच्छे से, जोड़ेंगे। दोस्तों आज मिस्त्री नहीं आया है, किसी काम से बाहर गए हैं, तो आज हम लोग ईंटा जोड़ेंगे। बाबूजी और मैं हम लोग ईंटा चुनाई करेंगे। धर्मा ईंटा जॉइंट में मसाला भर रही है तो हम लोग आज मिस्त्री कार्य करेंगे। मैं भी मिस्त्री कार्य आज करूँगा और भगवती मसाला दे रही है और भैया ईंटा ला कर यहाँ पर रख रहे हैं। तो चलिए अभी अब हम लोग बाबू के साथ ईंटा चुनाई का काम करेंगे, ईंटा जोड़ेंगे। और भगवती अभी ईंटा लेने के लिए गई थी, टुकड़ा ईंटा पौना ईंटा ये देखिए। तो पहले पगड़ी बांध लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और पसीना भी आता है तो हाथ तरफ पड़ता है, तो मैं पगड़ी बांध लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं भी ईंटा का कार्य करूँगा। पगड़ी बांध लेता हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है, पड़ता है, आप
आज मिस्त्री नहीं आए हैं, इसलिए दिशा के पापा मिस्त्री काम कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं पहली बार मिस्त्री काम कर रहा हूँ और कभी नहीं किया हूँ, लेकिन करने से क्या नहीं होता है, बस हौसला बुलंद होनी चाहिए और हमारा ही काम है तो हम लोग आराम से करेंगे, धीरे धीरे, उतना भी जल्दीबाजी नहीं है। ऐसी काम करने से ही कार्य भी सीख सकते हैं, इसलिए बस आराम से ऐसे कर रहे हैं। पहली बार मैं भी मिस्त्री कार्य कर रहा हूँ। वाइन में हम लोग मसाला भर दिए, अब इसके ऊपर में फिर ईटा चुनाई करेंगे। ईटा जो तो दोस्तों, हम लोग इतना ईटा जोड़े हैं ये देखिए, और शुरू शुरू में मिस्त्री कार्य कर रहे हैं तो उतना जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, इतना ईटा जोड़े हैं ये देखिए। और कैसे बना है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी 1 बज गया है, तो अभी अब हम लोग नहा धोकर फ्रेश होंगे और खाना खाएंगे और शाम को फिर ईटा जोड़ेंगे। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।